रियल एस्टेट का कोई सवाल टीम सबरवाल योर सर्च एंड्स हियर हमारे साथ जुड़ चुके हैं पीके सबरवाल जी फ्रॉम टीम सबरवाल रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई सवाल पीके सबरवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं एंड मेन स्पॉन्सर भी है हमारे वाई मीडिया बिग शॉट आईपीएल के जितने भी एक्सटेंसिव कवरेज हो रही है ऑल थैंक्स टू आवर मेन स्पॉन्सर टीम सबरवाल यू नो देम यू ट्रस्ट देम टीम सबरवाल योर रियल एस्टेट सोल्यूशन रियल एस्टेट का कोई सवाल पीके सबरवाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अगर आपका कोई भी सवाल है रियल एस्टेट से रिलेटेड कुछ पढ़ लिया आपने कुछ डाउट आ रहा है कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए यू हैव एनी रियल एस्टेट इश्यूज आप कॉल कर सकते हैं 9052269109 है स्टूडियो नंबर That is 9052269109 is the studio number. आपने लगाना है कॉल पूछने हैं सवाल अपने डाउट्स को करने क्लैरिफाई 9052269109 पीके जी वेलकम सर हाउ आर यू थैंक यू वेरी मच सारा एंड वेरी गुड इवनिंग वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल अवर लिसनर्स जी सारा वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सर एंड ढेर सारी बातें करने के लिए सर आप आते हैं हमारे हर वेंसडे को एंड इसी का वेट रहता है कि कब पीके जी आएंगे एंड ढेर सारे रियल एस्टेट के जो सवाल है वो मैं आप पे डंप करने वाली हूँ जी थैंक यू कोई दिक्कत नहीं जी जी इसीलिए हैं बैठे हुए मेरी भी नॉलेज बढ़ती है जब जितने क्वेश्चन आते हैं उतनी मेरी भी नॉलेज बढ़ जाती है क्या बात है बिल्कुल पीके जी एंड आज जो हम स्टार्टिंग बेसिकली करते हैं पीके जी मार्केट का हाल से तो मार्केट के हाल से स्टार्ट करते हैं जी जी ट्रंप की रिपोर्ट आई है चीफ जो मार्केट एनालिस्ट है जेसन मर्सर उनका ये मानना है कि डिमांड जो है हाउसिंग की जीटी के अंदर 2024 में बढ़ती नजर आएगी जिसका एक ट्रेलर तो हमने देख लिया पिछले दो ढाई महीने में बिल्कुल करंट आ गई है एक्टिविटी शुरू हो गई है मल्टीपल ऑफर में भी घर जाने शुरू हो गए हैं उनका ये मानना है कि ये डिमांड इसलिए बढ़ेगी बिकॉज ऑफ रिकॉर्ड जो पॉपुलेशन ग्रोथ है रीसाइलेंट इकोनॉमी है लो अनएम्प्लॉयमेंट है एंड डिक्लाइनिंग मॉर्गेज रेट जो अब होने वाले हैं शुरू इससे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है तो ये चीज आपका जीटीए में हाउसिंग सेल को बढ़ावा देगी ये तो होगी आपकी रियल एस्टेट के बाद जब डिमांड बढ़ती है तो नेचुरली प्राइस भी बढ़ते हैं तो नेचुरली वो उसके साथ साथ चलते हैं तो 2024 इट लुक्स लाइक यस डिमांड एंड प्राइस दोनों के बढ़ने की उम्मीद है 2024 में और स्पेशली सेकेंड हाफ ऑफ 2024 जी सारा बिल्कुल पीके जी एंड पीके जी आई वाज रीडिंग अप एक आर्टिकल आया था कि बहुत टाइम से हम इसके बारे में बात भी करें कि कनाडा की जो हाउसिंग क्राइसिस चल रही है वो एक शिफ्ट जो है वो नोटिस पे आ रही है कि हाउ विल लिव आवर लाइव्स एंड यू नो व्हाट डिसीजंस वी आर टेकिंग तो ये आ रही है कि वी विल बी शिफ्टिंग टू कॉन्डोज ये इनविटेबल है ये होना ही वाला है तो आपका क्या ख्याल है इस चीज पे देखिए मैं बताऊं आपको कि अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस है देखो कहते हैं ना आवश्यकता आविष्कार की जननी है ज्यादा हिंदी तो नहीं होगी शायद मेरे को लगता है कहीं समझ नहीं आएगी आवश्यकता आविष्कार की जननी है जो हमारी जरूरतें हैं वो इनोवेशंस लेके आती हैं राइट तो हमारी जरूरत घर है डिटैच घर पहले होते थे दो दो तीन तीन एकड़ के अंदर नहीं ले पाए वो कम हो गए 100 फीट बाई 100 फीट फिर नहीं ले पाए कम के हो गए 50 फीट बाई 100 फीट और नहीं ले पाए 25 फीट बाई 80 फीट और नहीं ले पाए सेमी डिटैच हो गए शुरू फिर नहीं ले पाए टाउन होम शुरू हो गए फिर नहीं ले पाए अर्बन टाउन होम हो गए दो दो तीन तीन फ्लोर वाले हो गए शुरू फिर नहीं ले पाए ज्वाइंट ओनरशिप स्टार्ट हो गई फिर नहीं ले पाए अब कॉन्डो अपार्टमेंट की तरफ चले गए कॉन्डो अपार्टमेंट भी नहीं ले पाए तो छोटे छोटे अपार्टमेंट चले गए छत सिर पे चाहिए देखिए कितनी जबरदस्त एक स्टोरी बन गई आपके कहने के ऊपर जी आवश्यकता आविष्कार की जननी है जब जरूरत है वो देखो मैं आपको बताऊं ये बहुत पुरानी बात है मेरे को लगता है 25 साल हो गए होंगे मैं दिखता था मैं न्यूयॉर्क गया मैं किसी के गया डॉक्टर थे छोटा सा अपार्टमेंट और हम बड़े बड़े घरों के आए डायलर से मैं वहां गया था तो मैंने कहा ये कैसे रहते हैं न्यूयॉर्क में लोग वहां पर बिस्तर के अलावा कोई जगह नहीं है वो मुन्ना भाई एमबीबीएस वाले बात है घुसते घर खत्म अरे बाबा तो वो समझ नहीं आई बात मैं कहा ये न्यूयॉर्क में मैनहट्टन में जो अपार्टमेंट थे कैसे रहते हैं वही बात आज डाउनटाउन टोरंटो में आ गई है 25 साल के बाद अचानक नहीं आई पिछले 10 साल से आ रही है जब आदमी ले नहीं पाएगा उसका लाइफस्टाइल वो अपना बदल देता है या लाइफस्टाइल बदला जाता है या लाइफस्टाइल अपने आप बदलना शुरू हो जाता है उस हिसाब से डिमांड शुरू हो जाती है मेरा अपना खुद का बेटा
आठ नौ हजार का स्क्वायर फीट का घर छोड़ के 400 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट में जाके रह रहा था शादी से पहले। तो ये जरूरत है, और जब आप ले नहीं पा रहे और घर चाहिए तो आपकी जरूरत आपको वो काम करने में मजबूर कर देती है कि भाई नहीं मैंने तो घर लेना है। तो ये रीजन है कि कांडो, अब कांडो अपार्टमेंट भी लेना मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए, तो अब लोग बाहर निकल रहे हैं, थोड़ा बाहर जाके ले लेंगे या छोटे अपार्टमेंट में चले जाएंगे। यस इट्स राइट, इट्स करेक्ट कि ये इसमें शिफ्ट हो रहा है और धीरे धीरे। और देखो अब सरकार ये वाला प्रपोजल ला रही है ना कि एक घर को चार घर में बदल सकते हैं। पहले एक प्रपोजल आया था गार्डन हाउस कि भाई गार्डन होम आप घर के पीछे जमीन अलाउ करती है तो आप गार्डन होम बना सकते हैं छोटा सा, दो घर हो गए। उसके पहले उन्होंने बेसमेंट अपार्टमेंट अलाउ कर दिए थे, दो घर हो गए। अब वो यहां तक प्रपोजल आ रहा है कि चार घर बना सकते हो आप, प्रोवाइडेड डेमोग्राफिक्स और प्रोवाइडेड एरिया प्रोवाइडेड म्यूनिसिपैलिटीज को अलाउ करे। तो ये चीजें सारी जो है ना ये होंगी अल्टीमेटली और करनी पड़ेगी। अब देखो मैं इंडिया से बिलोंग करता हूं तो इंडिया में देख लो वहां पर किसने, वहां पर फ्लैट कहते हैं, यहां पर कांडो कहते हैं। फ्लैट का रिवाज कभी किसी ने सुना ही नहीं था, अब वहां पर फ्लैट भरे पड़े हैं और रईस से रईस लोग फ्लैट्स में रहते हैं। आप देखिए बड़े बड़े एक्टर्स को देख लो फ्लैट्स में रहते हैं। मैं भी बॉम्बे गया था, कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज कुछ मेरे क्लाइंट हैं, उनके यहां मिला भी था, उनको मिलके भी आया था, वो फ्लैट्स में रहते हैं। तो वो जैसे फॉर एग्जाम्पल ओब्राई स्प्रिंग्स, अब कौन रहता है मैं नहीं बताऊंगा, बेलमोंट कौन रहता है मैं नहीं बताऊंगा, ये मेरे कुछ है बॉलीवुड के जिनको मैं मिलकर भी आया था। तो फ्लैट्स में रहते हैं, रिवाज शुरू हो गया। एक सिक्योरिटी होगी उन लोगों के लिए, एक प्राइवेसी, और एक आम मेरे से आदमी के लिए गरीबी, उसने छोटा सा अपार्टमेंट ले लिया और सस्ता पड़ता है घर से। ये वजह है शिफ्ट की जी। एंड हमारे लिसनर्स को मैं दोबारा बता दूं, स्टूडियो नंबर हमेशा अपने पास रखें, 9052269109 इज द स्टूडियो नंबर, 9052269109 इज द स्टूडियो नंबर। अगर आपने कोई भी सवाल पूछना है पीके जी से, हमारे साथ टीम सरवाल से पीके सरवाल जी जुड़े हुए हैं, अगर आपका कोई भी सवाल है रियल एस्टेट से रिलेटेड, स्टूडियो नंबर हमेशा अपने पास रखिए, 9052269109 पे आपको लगा सकते हैं कॉल, 9052269109 पे। पीके जी अगर हम बात कर रहे हैं अबाउट शिफ्टिंग एंड लिविंग लाइफ स्टाइल की, तो एक और कॉन्सेप्ट भी अभी आ रहा है, दैट इज डेलिक्वेंसीज जो है, यानी जो बैड डेट्स है उनके काफी इंक्रीज होने का चांसेस है। ये सबसे खतरनाक बात है जी। ये बहुत खतरनाक बात है, इसके लिए बिग सिक्स कैनेडियन बैंक्स आर रेडी, वो तैयार हो चुके हैं और उन्होंने लॉसेस के लिए प्रोविजन रख दी है बड़ी बड़ी, और छोटी मोटी प्रोविजन नहीं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, रॉयल बैंक ऑफ कैनेडा आरबीसी 813 मिलियन उन्होंने एक तरफ कर दिया सिर्फ एक क्वार्टर के अंदर, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 ये जो अभी चल रहा है, 813 मिलियन उन्होंने एक तरफ कर दिए कि ये पैसे डूबेंगे, ये पैसे हमने जो डूबेंगे उसको हमने पूरा करना है। 813 मिलियन एक बैंक की बात बता रहा हूं मैं, और देखिए जो अप है 53% फ्रॉम द लास्ट ईयर इसी फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। स्कॉशिया बैंक देख लीजिए, लास्ट ईयर बुरा हाल था 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में, उन्होंने 638 मिलियन प्रोविजन रखा था, फर्स्ट क्वार्टर की बात कर रहा हूं, अब उन्होंने बढ़ाकर 962 मिलियन कर दिया, यानी कि उनको लगता है कि इस साल बहुत डेलिकेंसीज होंगी। बीमो की बात सुन लीजिए, लगभग 3 गुना उन्होंने कर दिया प्रोविजन रकम डूबने का। टीडी बैंक ने $1 बिलियन एक तरफ कर दिए क्वार्टर वन ऑफ 2024 के अंदर कि भाई ये पैसा डूबेगा तो हमें ये पूरा करना है। मतलब कि कितने बैंकों को बोलता रहा हूं, सीआईबीसी का अगर ले लीजिए तो लगभग डबल से ज्यादा उन्होंने एक तरफ कर दिया, 585 मिलियन के करीब कर दिया। उन्होंने ये कहा है ये हमें प्रोविजन तब तक रखना पड़ेगा जब तक इंटरेस्ट रेट नीचे आना नहीं शुरू होता और लोगों का थोड़ा हाथ नहीं खुलता, नहीं तो ये जब हाई इंटरेस्ट रेट में लोग जाएंगे छोटे इंटरेस्ट रेट से, जो उनकी रेन्यूअल आ रही है अभी 24 में और एक और रेन्यूअल आ रही है 25 में, ये दे नहीं पाएंगे और ये डूबेंगे, डेलिक्वेंसीज आएंगी और हमें इसको पूरा करना होगा, इसलिए उन्होंने अभी से प्रोविजन रखना शुरू कर दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये वीडियो कैनेडा की एक लेटेस्ट रिपोर्ट, उन्होंने ये कहा है कि ऑल इकोनॉमिक सिचुएशन जो हाउसिंग की वो कब ठीक होगी, उन्होंने उसका आंसर दिया जब
इंटरेस्ट रेट नीचे आने शुरू होंगे, और जो कि क्वार्टर थ्री तक कहते हैं थोड़ा हालत ठीक होती नजर आएगी हमारे को। कंज्यूमर डेट जो है वह अपने दुखती रग में हाथ छेड़ दिया आपने सारा, इसके बारे में तो मैं बोलता ही जाऊं तो ज्यादा अच्छा है, पर आप टाइम ही नहीं देंगे मुझे पता है। ये रोने वाली बात है, कंज्यूमर डेट 2.4 ट्रिलियन फोर्थ क्वार्टर के ऊपर आके पहुंच गया, 2.4 ट्रिलियन की बात कर रहा हूं, और ये पिछले साल से 3% ज्यादा और बढ़ गया। ये ट्रांस यूनियन की रिपोर्ट है, आप बताइए ये कर्जे जो बढ़ गए हैं इतने ज्यादा और लोग जो दे नहीं पाएंगे तो बैंकों के पैसे डूबेंगे ना। जी। तो ये जो आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा, टोटल मिला के लगभग 4 बिलियन जो लोन लॉस का प्रोविजन जो है इन बैंकों ने मिलकर रखा है, 4 बिलियन उनको लगता है कि पैसा डूबेगा, उन्होंने अलग से प्रोविजन कर दिया इसका। जी क्या बात है। पीके जी अगर आपकी इजाजत हो तो रेडियो वाई का आईडी का भी टाइम आ गया, थोड़ा आईडी ले लेते हैं, उसके बाद बातचीत आगे बढ़ाएंगे। हमारे लिसनर्स को मैं दोबारा बता दूं, 9052269109 इज द स्टूडियो नंबर, 9052269109 इज द स्टूडियो नंबर टू कॉल अगर आपने कोई भी सवाल पूछना है हमारे साथ जुड़े हुए पीके सबरवाल जी फ्रॉम टीम सबरवाल, मेन स्पॉन्सर भी है वाई मीडिया बिग शॉट आईपीएल के साथ एक्सटेंसिव कवरेज के मेन स्पॉन्सर भी है फ्रॉम टीम सबरवाल, पीके सबरवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए। कोई भी सवाल है आप कॉल करके पूछ सकते हैं 9052269109। आईडी लेके जरूर वापस आते हैं, बातचीत का आगे बढ़ाएंगे। कीप लिस्टिंग टू रेडियो वाई। यू आर लिस्निंग टू रेडियो वाई, कॉल वाई मीडिया एट 4164755000। द बिगेस्ट साउथ एशियन मीडिया ग्रुप वाई मीडिया। वाई मीडिया Media Group, established in 2001, is a media company with a 360-degree approach in reaching our audience over 5 platforms: television, radio, newspaper, online news portal, and mobile app. Y Media has newspaper, midweek, radio, South Asian Pulse. Hi, I'm Amitabh Bachchan, and you're listening to South Asian Pulse. Hi, this is Amir Khan, and you're listening to South Asian Pulse. All English, 24/7 television network, and Y Media Plus. Advertise with us? Call us at 416-475-5000. 416-475-5000. Wohi Khuda. रमजान में हो जाए सबकी मुरादें पूरी, मिली सबको ढेरों खुशियाँ और ना रहे कोई इच्छा अधूरी। आप सभी को रमजान मुबारक। टीम वाई मीडिया विशेस यू ऑल अ वेरी हैप्पी रमजान। वही खुदा आप सुन रेडियो वाइस आदेशन पोस्ट ड्राइव इंशाल्लाह ब्रॉट टू यू बाय वाई मीडिया। 9052269109 इज द स्टूडियो नंबर, 9052269109 इज द स्टूडियो नंबर टू कॉल अगर आपको कोई भी सवाल है आप पूछ सकते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं फ्रॉम टीम सबरवाल, पीके सबरवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेन स्पॉन्सर है वाई मीडिया बिग शॉट आईपीएल के एक्सटेंसिव कवरेज के, पीके सबरवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोई भी सवाल आपको पूछना है 9052269109 पे आप लगा सकते हैं कॉल। वेलकम बैक सर, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच सारा। या बिल्कुल पीके जी, एंड बातचीत को कंटिन्यू करते हैं। पीके जी मुझे आपसे एक बहुत ही ले पर्सन सवाल पूछना है। पीके जी ये बताइए इंटरेस्ट रेट कब कम होगा? जी वेरी वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट क्वेश्चन। देखो सारा, लास्ट वीक तक मैं कह रहा था कि 50% चांस है जून में कम होगा और 50% चांस है जुलाई में कम होगा। आज मैं अपने जो मैंने प्रेडिक्ट किया उसको बदल रहा हूं। अब जून में 50% की जगह 70% चांस है इंटरेस्ट रेट कम होने के। 5 जून को 70% चांस हो चुके हैं इंटरेस्ट रेट नीचे आने में। उसका रीजन मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, जो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं मैं पढ़ता हूं, फॉलो करता हूं, रीजनिंग देखता हूं, कारण देखता हूं क्या है, और जब मैं कन्विंस हो जाता हूं तो मैं बोल देता हूं ये बात। देखो बात यह है, जो इन्फ्लेशन के लिए बैंक ऑफ कनाडा बैटल कर रहा था कि इन्फ्लेशन को नीचे लाने की, उसने दैट हैज ऑलरेडी शोन साइन ऑफ सक्सेस। ये तो मानेंगे आप भी कि 2.8% हम नीचे लेके आ गए और उसकी सक्सेस
जो है सबको नजर आनी शुरू हो गई। अब ये सब कुछ करने के बाद अब जो आगे हम लोग देखते हैं, जो कंसर्न जो मैं पहले भी बोल रहा था, हाउस होल्ड डेट की कंसर्न, डेट टू इनकम रेशियो की कंसर्न, कनाडा सबसे पीछे है G7 कंट्रीज के अंदर। और उसके अलावा जो है एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, उसके बाद जो है जो मोर इमिग्रेंट्स, ये प्रॉब्लम, इकॉनमी वीक की प्रॉब्लम, ये सारी बातें जो है ना, ये इस बात की तरफ लेके जा रही हैं कि वी हैव नो चॉइस बट इमीडिएटली हमारे को स्टेप लेना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट कम करने के लिए। वी डोंट हैव टू फॉलो फेडरल गवर्नमेंट, यूएस फेडरल को हमें फॉलो करने की जरूरत नहीं है इस वक्त। ये इकोनॉमिस्ट भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हमारे हालात अब डिफरेंट हो चुके हैं, हमें उनकी इंतजार नहीं करनी, हमें स्टेप लेना ही पड़ेगा। और बीमो बेंजामिन रिच साहब बीमो वाले कह रहे हैं, और भी लोग सब कह रहे हैं कि उनको लगता है कि अब ये जून में रेट नीचे आना चाहिए। ऑट्स जो है 70% हो चुके हैं जून में इंटरेस्ट नीचे आने के। ये मोरस के सेवन हार्वी जी, उन्होंने भी ये बात करी है कि हम फेडरल यूएस फेडरल को मैच अब नहीं कर सकते, हमारा हमारे ऊपर प्रेशर उनसे ज्यादा हो चुका है इकोनॉमी का जी। तो हमारी इकोनॉमी अंडर प्रेशर है इस वक्त, तो उनका भी यही मानना है। तो ये मेरा मानना है कि मुझे लगता है 70% चांस है जून में इंटरेस्ट रेट 0.25% नीचे आने का, और उसके बाद टोटल इस साल मुझे 3 बार लगता है कि इंटरेस्ट नीचे आएगा, 0.75 तक मुझे नीचे जाने की उम्मीद है। और ये मेरा मानना मॉर्गेज रेट जो है ये जून से नीचे आने चाहिए जी। जी ठीक है जी, अब बातचीत आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ 2 कॉलर जुड़े हुए हैं तो एक एक करके हम ले लेंगे। पहले आई थिंक मुकेश जी ने कॉल किया था, तो मुकेश जी को पहले लेंगे, उसके बाद गिरीश जी आप भी हैं ऑन एयर तो आप ही सवाल पूछ सकते हैं। मुकेश जी आप पहले हैं, प्लीज गो अहेड। हेलो सर जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक मुकेश जी, आप बताइए सर। मुकेश पुजारा बोल रहा हूँ सर। ओ पुजारा साहब बोल रहे हैं, अच्छा पुजारा जी क्या हाल है आपके? ठीक है जी जी जी, बहुत बढ़िया सर जी। सर मुझे पूछना था कि जो आर्ट फॉर्म में कॉन्डो लिया हुआ है मैंने आपसे जी, वो उसका मुझे ऑक्यूपेंसी डेट आ गया है June 26th को, 26 जून 2024 का भी कहा है ना आर्ट फॉर्म का, राइट? हाँ। आपका कौन सा फ्लोर ऑक्यूपेंसी है? मेरा 10th फ्लोर है जी। ठीक, तो मुझे सिर्फ ये तो क्लोजिंग कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मैं इसलिए फ्लोर भी मैंने आपसे इसीलिए पूछा था क्योंकि मैं क्लोजिंग को काउंट करना चाहता था, क्लोजिंग कब है। 26 जब आपको जून को पोजीशन मिलेगी, पहली बात तो जब आपको पोजीशन मिलेगी आपके लॉयर होंगे या हमने दिए होंगे जो भी हैं, वो अपने अपने बिल्डर को जल्दी से लॉयर का नाम भेज दीजिए दोबारा, अगर नहीं भेजा आज तक तो नहीं है तो मुझे बाद में टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिएगा, मैं आपको लॉयर इनहाउस लॉयर दे दूंगा, आप उन लॉयर को दे दीजिएगा अपने बिल्डर को, ताकि लॉयर का सब कागज आ जाएंगे। जब आपके पास लॉयर ऑक्यूपेंसी की बात आएगी उससे पहले पीडीआई तो नहीं हुई ना अभी आपकी? नहीं पीडीआई नहीं हुई। प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन का लेटर आएगा, जब प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन का लेटर आएगा तो वो डेट और टाइम अपने हिसाब से फिक्स कर लेना, और जब प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन के लिए जाएंगे तो आप मुझे कॉल कर लेना या टेक्स्ट मैसेज डालना, कॉल तो मैं उठाता नहीं, टेक्स्ट मैसेज में इमीडिएट जवाब आएगा, आई विल टेक केयर, हम उसका ध्यान रखेंगे, आपको बताएंगे पीजीआई में जाओगे तो कैसे आपका ध्यान रखा जाएगा, आप हैरान हो जाएंगे। नंबर एक, तो जब पीजीआई के बाद ऑक्यूपेंसी आएगी आपके लॉयर को आपको मिलना होगा, और जब आपको चाबी मिलेगी ऑक्यूपेंसी की तो इमीजिएटली आपको टेक्स्ट मैसेज फिर डालना होगा हमारे को कि जी पीके जी चाबी मिल गई है, मेरा जो लीजिंग डिपार्टमेंट है आपको इमीजिएटली कॉन्टेक्ट कर लेगा और सारी फॉर्मेलिटियां पूरी करके उसको रेंट पे चढ़ा देगा ताकि आपकी जेब से कोई पैसा ना जाए। ठीक है, दूसरी बात, जब आपको चाबी मिल जाएगी, मुझे लगता है आपका 10th फ्लोर है, 2-2.5 महीने के अंदर अंदर आपकी क्लोजिंग हो जानी चाहिए, उसी दिन आपने मॉर्गेज एजेंट से बात करनी है और अपनी मॉर्गेज की तैयारी करनी है। ठीक है, क्योंकि आज भी कर सकते हो आप, लेकिन 4 महीने से ज्यादा वो होल्ड नहीं करते, 3 से 4 महीने, और जून तक मुझे रेट नीचे आता भी नजर आ रहा है, बड़े अच्छे टाइम पे क्लोजिंग हो रही है आपकी, ताकि तब तक इंटरेस्ट रेट नीचे आना शुरू हो जाएगा। सही है सर। ठीक है सर, और सर वेरिएबल अभी तो अभी के हिसाब से तो वेरिएबल में ही जाना, जून में जब चाबी लेंगे तब बात करेंगे उस दिन के हालात देखकर। ठीक है मैं हमेशा 24 घंटे आपके लिए हूँ, जंबर जी मैसेज भेजिए, नाम जरूर लिखना, बिना नाम के मैं कॉल बैक नहीं करता, आपको पता ही है। ठीक है ना? नहीं नहीं सर, मैं तो आपका नाम लिख के भेजूंगा। वैसे भी आपका नाम इतना बढ़िया पुजारा, बताइए इसको भूल सकता क्या आदमी? जी हाँ जी, थैंक यू।
थैंक यू. ओके थैंक यू सर. टेक केयर. जी ओके. थैंक यू सो मच. एंड गिरीश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. गिरीश जी प्लीज गो अहेड. हेलो पीके जी. नमस्कार जी. नमस्कार गिरीश जी. क्या हाल है आपके? बस ठीक है इसी के दया है. सब कुछ महंगाई बढ़ गया ना यहाँ में. अभी ऑटो इंश्योरेंस रिन्यूअल आई, घर का इंश्योरेंस वो भी बढ़ गया. तो ये क्या बोलते हैं कॉन्डोमिनियम इंश्योरेंस जो सॉरी मेंटेनेंस फी जो नए वाले हैं टाउन हाउस से स्टैग दिए वो जो भी हैं इनकी भी मेंटेनेंस फी कितनी किस रेट से बढ़ी है? बस ये इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ी है जी सबकी. जो ब्रांड न्यू है ना सर, मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं. देखो दो तीन बातों में मेंटेनेंस फीस डिपेंड करती है. ठीक है मैं बताता हूँ कौन फीस. अगर वो ब्रांड न्यू है तो अभी उनकी रिपेयर स्टार्ट नहीं हुई, देयर अंडर टायर एंड वारंटी और मेंटेनेंस ये वो सब कुछ शुरू में चलता है. तो इनकी जो मेंटेनेंस फीस बढ़ती है ना गिरी जी, ये एज पर इन्फ्लेशन बढ़ती है. जैसे मान लीजिए इन्फ्लेशन आपसे आपकी सैलरीज बढ़ गई, आपकी गैस की कीमत बढ़ गई, आपका हाइड्रो की कीमत बढ़ गई, पानी की बढ़ गई, प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ गया, तो उसी हिसाब से आप प्रॉपर्टी टैक्स छोड़ दीजिए, कॉन्ट्रो की उसका मतलब नहीं है, तो उसी हिसाब से आपकी मेंटेनेंस बढ़ जाती है. हम लोग दुखी रहते हैं और ये देखो जी इन्होंने $25 हमारी मेंटेनेंस बढ़ा दी. इन्होंने कौन? इन्होंने इन्होंने तो आप ही हैं, इन्होंने तो मैं ही हूँ. हम ही मैनेजमेंट के लोग हैं, हम ही वोट करके इनको लेके आते हैं. यानी कि हमने खुद बढ़ाई होती है लेकिन ब्लेम मैनेजमेंट को दे देते हैं. मैनेजमेंट तो हम ही है ना. और नहीं तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें बिल्कुल इनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर जाके मेंबर बन जाना चाहिए. वो आपका ईमेल आपको मतलब अपने ऊपर मत लेना, मैं जनरल बात कर रहा हूँ. आपको हमको लेटर आके थक जाते हैं आप एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर बनिए, हम उनकी लेटर का जवाब ही नहीं देते. उनको जरूरत होती है मेंबर्स की और मेंबर बनते ही नहीं है ओनर बनने के बाद. बाद में हम कहते हैं इन्होंने बढ़ा दी. भाई इन्होंने तो हमारे से तो सिलेक्टेड आदमी किया हुआ जो बढ़ा रहा है. क्यों बढ़ा रहा है? घर के अंदर हमारे बिजली का बिल बढ़ गया $10, हमें पता नहीं चलता. पानी बढ़ गया $5, पता नहीं चलता. गैस बढ़ गई $10, पता नहीं चलता. पर जब कॉन्डो में बढ़ जाते हैं $25, पता चल जाता है क्योंकि वो एक सिंगल फिगर है. अच्छा अब रही बात दूसरी, ये इन्फ्लेशन जब पुराने हैं. अब आइए दूसरी बात, अगर पुराने हैं टाउन होम्स या अपार्टमेंट, उसकी मेंटेनेंस ज्यादा या कम डिपेंड करती है रिजर्व फंड कितने हैं और उसको किस तरीके से हैंडल किया जा रहा है. हेरा फेरी तो नहीं हो रही, मिसमैनेज तो नहीं हो रहा, फजूल खर्चिया तो नहीं हो रही, रिश्वत तो नहीं खाई जा रही या गलत तरीके की इंप्रूवमेंट तो नहीं की जा रही. पता चला स्विमिंग पूल को कोई इस्तेमाल ही नहीं करता और जो पुराना स्विमिंग पूल है उसकी रेनोवेशन के ऊपर $2,00,000 लगा दिए. क्या हुआ? सबकी मेंटेनेंस बढ़ गई. तो मैनेजमेंट के अंदर आपका होना हमारा होना अगर नहीं भी है तो जब आपको लेटर आता है एनुअल जनरल मीटिंग का वहां जाके अपनी वॉइस निकालना बहुत जरूरी है सर. तो ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है. मेरे पास बहुत अपार्टमेंट है पर मैं बहुत लोगों के अंदर एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ और नहीं तो मैं इनको वॉच करता हूँ. और इसलिए मैं कहता हूँ कि ये अगर ये मिसमैनेज हो रहा है या रिजर्व फंड कम हो रहा है तो आपको वो कॉर्नर से निकल के बाहर चले जाना चाहिए. मैं लास्ट में ये बोल के मैं रखता हूँ फिर सुन लेता हूँ मैं. देखिए जो इन्फ्लेशन का जो रेट है उससे कहीं ज्यादा बढ़ रहा है. इन्फ्लेशन 3-4% बोलते हैं, आप देखिए हिसाब लगाइए उस रेट से ज्यादा बढ़ रहा है. बस ये आप एक पर्टिकुलर किसी प्रोजेक्ट की बात कर रहे होंगे क्योंकि उसके अंदर मिसमैनेजमेंट होगी. यही मैंने कहा ना, रिजर्व फंड कम हो रहा होगा, मिसमैनेजमेंट हो रही होगी. अदरवाइज आप देखिए आपको मैं चलो हाँ बड़ी इंटरेस्टिंग आपने क्वेश्चन किया बड़ा जबरदस्त. इन्फ्लेशन 8% था, 8.1 चला गया था, उसके बाद घटता गया, मान लीजिए 6 रह गया, फिर मान लीजिए 4 रह गया, 5 रह गया. सर कॉन्डो फीस हर साल तो नहीं बढ़ी. उन्होंने क्या किया, एक ही बार झटके से 12% बढ़ा दिया, 15% बढ़ा दिया. आपको लगा ओ देखो जी उन्होंने 15% बढ़ा दी, 400 थी 460 होगी. गलत बात है, इन्होंने हर साल तो नहीं बढ़ाई. 3 साल की आप देखो, 3 साल की मिला के इन्फ्लेशन 15% थी, वो बढ़ा दी उन्होंने. हमें एक एक फेयर तरीके से कैलकुलेट करना होगा तो पता चल जाता है. सर मैं कई बार बोलता हूँ, अपने बच्चों को भी बोलता हूँ, अपने एजेंट्स को भी बोलता हूँ, अपने क्लाइंट्स को भी बोलता हूँ, क्या पिछले साल बढ़ी थी? नहीं बढ़ी थी. पिछले साल इन्फ्लेशन कितनी थी? 4.6. तो वो कहाँ गई? उससे पिछले साल बढ़ी थी? नहीं बढ़ी थी. कितनी थी? 8.1. तो आज उन्होंने अगर 12 बढ़ा दी तो आप रोके हुए हैं. वैसे तो हर साल ही बढ़ती है सर. मेरी नॉलेज तो नहीं है सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ओके जवाब. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू जी. थैंक यू सो मच. एंड मैं गिरी जी को कहूंगा, बड़े लर्नड हमारे लिसनर हैं, बहुत अच्छी एजुकेशन एजुकेट मैं भी इनसे होता हूँ और बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं इनको.
पूरी इकोनॉमी की इनको खबर होती है, मैं देखता हूँ बाकी शोज में भी आते हैं और ये बहुत ज्यादा नॉलेज रखते हैं और बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, आई मस्ट अप्रिशिएट गिरीश जी। और देखो ये जो पर्टिकुलर बात करें ना कि हर साल, बल्कि मैं बोलता हूँ इनकी बात सच्ची निकले, हर साल बढ़ाना चाहिए अकाउंट फीस ताकि लोगों की चुभती नहीं है। फिर अगर इन्फ्लेशन 3% बढ़ा तो 3% उन्होंने बढ़ा दी, तो जरूरी नहीं 3% बढ़ाए, कई चीजें में इनके ऊपर असर भी नहीं होता, ग्रोसरी का असर थोड़ी ना इनके ऊपर काउंटर वालों के ऊपर की ये फीस बढ़ा देंगे ठीक, लेकिन गैस का है। तो मैं तो कहता हूँ गुरु जी की बात ज्यादा अच्छी है कि हर साल बढ़ा देना चाहिए थोड़ा थोड़ा ताकि पता भी नहीं चलता। जी क्या बात है। पीके जी, एक मेरे साइड से एक सवाल था, तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ रही थी एंड उसमें एक वर्ड था जिसका कॉन्सेप्चुलाइज आई होप आई कुड आप एक्सप्लेन कर सके, दैट इज हाउस फ्लिपिंग। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? हाउस फ्लिपिंग का मतलब ये होता है, दो तीन तरीके हैं जी। नंबर एक, घर लिया टूटा फूटा, उसको रेनोवेट किया, बेच दिया बिजनेस के लिए, एक तो ये हो गया फ्लिपिंग। दूसरा ये हो गया, आपने बुक किया, हाथ आया लेते इसको बेच दिया, प्रॉफिट कमा लिया। तीसरा, आपने घर लिया, दो चार छह महीने रहे, फिर बड़े घर में चले गए, इसको बेच दिया। फ्लिप कर रहे हैं, मतलब आप समझ ना, आप फ्लिप करते जा रहे हैं। लेकिन मैं फ्लिपिंग के अंदर एक कॉशिश कर दूं, जब आपकी फ्लिपिंग सीआरए के पास जाती है और ये बार बार फ्लिपिंग हो रही होती है तो इसको वो बिजनेस इनकम में ले लेते हैं और आपका बिजनेस टैक्स लगना शुरू हो जाता है अप टू मैक्सिमम 47%, फिर कैपिटल गेन का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। ये फ्लिपिंग का कई लोग बिजनेस करते हैं, वेरी गुड, टैक्स भी पूरा दो, बिजनेस करो, पर जिस इंसान को पता नहीं है, कहता जी मैं रिपेयर करके भेज दूंगा और इतना प्रॉफिट कमा लूंगा, नहीं जनाब, ये फ्लिपिंग के अंदर आप आ जाएंगे तो ये आपका कैपिटल गेन ही लगेगा, आपको बिजनेस टैक्स लगेगा पूरा। तो ये फ्लिपिंग इस तरीके से होती है, कई लोग बिजनेस करते हैं, इट कम्स अंडर बिजनेस, सीआरए आल्सो टेक्स इट अंडर बिजनेस, ठीक है जी? जी जी, नाउ क्लियर जी, बिल्कुल जी। अच्छा, जाते जाते सर मैं बता दूं कि मेरा बस जो टूर था 23 मार्च का, थैंक्स टू वाई मीडिया आल्सो, बहुत जबरदस्त कामयाब रहा, बहुत बहुत जबरदस्त कामयाब रहा, बस फुल थी, बल्कि 7 लोग ज्यादा थे जी। अच्छा, मुझे लगा था कि 5-6 कैंसिल करेंगे, वो कैंसिल नहीं किए। तो वो क्या हुआ, एक दो जो है, एक दो नहीं आए सिर्फ, क्योंकि वो इकट्ठे थे, उनकी कार का कुछ एक्सीडेंट या कुछ फैमिली की प्रॉब्लम थी, और वो अब जो मैंने ओवर रखे थे ये सोच के कि कुछ नहीं आएंगे, वो आ गए, अब हम क्या करें। तो मेरे असिस्टेंट दो तीन एम्प्लॉइज वो बेचारे फिर कार में आ गए, तो ताकि हमने अपने क्लाइंट्स को अकोमोडेट करना था बस के अंदर। इट वॉज ए लग्जरी बस टूर विद वॉशरूम्स एंड बार एंड सब कुछ, अंदर खाना पीना चल रहा था। 6 महीने मैं बोलता रहा, गला थका नहीं मेरा, बस मेरी भाई मेरे को भी इसकी गोली खिलाती गई, मैं बोलता गया। तो ये बड़ा कामयाब रहा, ऑलमोस्ट हाफ या उससे थोड़े ज्यादा यूनिट्स बिक गए जो मैंने लिए हुए थे बिल्डरों से हाई इंसेंटिव के ऊपर। और अगर मैं देखता हूँ मेरे मतलब के और यूनिट बच गए होंगे तो मैं अपने मुस्लिम बहन भाइयों के लिए एक टूर और चलाऊंगा अप्रैल में, जैसे मैंने वायदा किया था, विद सेम इंसेंटिव। और अगर नहीं सेम इंसेंटिव मिले या यूनिट्स इतने नहीं बचे तो शायद मैं ना लेके जाऊं, बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं एक और बस का टूर लेके जाऊं। इतने जबरदस्त इंसेंटिव लेके दिए अपने, अप टू $3-3 लाख तक, कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर तो $3-3 लाख तक, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द यूनिट कितना बड़ा था, नहीं तो आम तो $1 लाख तो हर एक में ही था। तो ये इस तरीके से हमने इंसेंटिव लेके दिए, साइन करते करते हम बिल्डरों से और इंसेंटिव मांगते जा रहे थे और लोगों को लेके देते जा रहे थे, लोग बड़े हैरान थे। जो हमारे विनर हैं, अभी आदि के शो में आए थे मिस्टर राजपूत, अभी आदि के शो में आए थे जिन्होंने कॉल की थी, नहीं मिस्टर राजपूत दूसरे थे, हाँ जी। तो वो भी आए थे और उनको मैंने मना किया था लेने के लिए, क्योंकि मेरे ऑलरेडी वो 5-6 ले चुके थे, अभी और लेने आ गए थे, मैंने उनको मना कर दिया कि नहीं आपको मैं नहीं दूंगा, अभी पहले 2 क्लोजिंग होने दो उसके बाद, क्योंकि मैं नहीं चाहता जो डाइट मेरे पे डिपेंड करता है मैं एक रिस्क ले लूं। और मैं उनको कॉन्ग्रेट करना चाहता हूँ जिनकी वो हमने स्लिप्स निकाली थी विनिंग की, 4 लोगों की ही थी वो, और अगर वो सुन रहे हैं तो एक हमारी थी क्लाइंट, उनकी बेटी थी रिचा, उसका इनाम निकला है $500 प्रीपेड वीजा कार्ड, $500 का, ये $500 के 4 कार्ड निकले हैं। दूसरा मिस्टर दीपक राजपूत, जिन्होंने थैंक्स किया था पिछले प्रोग्राम में। तीसरा मिस्टर भविन पटेल, उनका इनाम निकला है। और चौथा मिस नवीन है, नवीन, उनका इनाम निकला है, इनको हमारे ऑफिस ने कॉन्टेक्ट कर लिया होगा।
प्लस जो लोगों ने उस दिन खरीदा था, जो मैंने वायदा किया था, जितनों ने भी खरीदा था उस दिन, ऑलमोस्ट आई थिंक 18-20 थे, उन सबको बधाई हो, उन सबको टिकट्स भेजी जाएंगी उनसे बात करके। फाइव नाइट्स ऑल इंक्लूसिव फॉर टू ट्रिप टू मैक्सिको। मैक्सिको का ट्रिप फॉर टू, फाइव नाइट्स ऑल इंक्लूसिव, इनको कंटेक्ट कर लिया जाएगा और इनके हिसाब से इनकी इनकी वेकेशन की सारा प्लान कर लिया जाएगा। जी सारा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच कमल पाटी जी, थैंक यू सो मच पीके सवाल जी। सॉरी सॉरी, एक दफा अपना कॉन्टेक्ट डिटेल जरूर शेयर करें। 647-299-4757, 647-299-4757। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच पीके जी, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। क्या बात है, हमारे साथ पीके सबरवाल जी जुड़े हुए थे फ्रॉम टीम सबरवाल रियल एस्टेट का। कोई सवाल पीके सबरवाल जी जुड़े हुए थे हमारे साथ। वाई मीडिया बिग शॉट आईपीएल के एक्सटेंसिव कवरेज के मेन स्पॉन्सर भी है पीके जी, एंड ढेर सारी हमने बातें करी आज उनके साथ। लेकिन अभी जो है एक गाने का वक्त आ रहा है, तो एक काम करते हैं, एक मजेदार सा गाना हम प्ले कर लेते हैं, उसके बाद कुछ और बातचीत करेंगे। स्टूडियो नंबर हमेशा अपने पास रखिए 9522691009, अगर आपको कोई भी गाना रिक्वेस्ट करना है, कोई भी कॉन्टेंट रिक्वेस्ट करनी है, बातचीत करनी है मेरे से।